ओके दोस्तों, तो आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि टेली RP9 में आप रनिंग मोड में कैसे परचेस करें, सेल करें या रिसीव पेमेंट, ये सारा चीज़ को मैं आपको रनिंग मोड में करने करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि आप जो लेजेस्ट है, जैसे कि परचेस करने के लिए हमें 3 लेजेस्ट चाहिए होता है। पहला कि हमें परचेस लेजर चाहिए और सप्लायर का लेजर चाहिए होता है और आइटम का लेजर चाहिए, यानी 3 लेजर चाहिए परचेस करने के लिए। और वो भी आपको पहले बनाना पड़ता है और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको परचेस करते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग मोड में कैसे आप परचेस करेंगे और सेल करेंगे कैसे रनिंग मोड में। आप लेजर्स उसमें पहले नहीं बनाएंगे, बाद में सारा काम होगा। ये सारा चीज़ मैं आपको आज रनिंग मोड में करके दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेली कंपनी में आ जाना है, कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं, यहाँ क्रिएट बोल रहा है। अगर बना हुआ रहता है तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाता है। यहाँ पर हम आइटम नहीं बनाएंगे और उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में जाके देखते हैं लेजर्स में और डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो आपका टेली RP9 में पहले से बना हुआ रहता है। तो हमें परचेस करने के लिए एक सप्लायर चाहिए, परचेस अकाउंट चाहिए, जो कि यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर ना बना करके यानी रनिंग मोड में काम करेंगे। यानी क्या, हमें जानना है अकाउंटिंग बोचस में और उसके बाद F9 करेंगे, परचेस में आएंगे और यहाँ पर रनिंग मोड में सारा काम करेंगे। ना तो आइटम बना हुआ है, ना तो परचेस अकाउंट बनाया है और ना ही सप्लायर बनाया है, तो कैसे परचेस करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इनवॉइस नंबर मांगा है, इनवॉइस नंबर टाइप करते हैं 4545, एंटर करेंगे। फिर पार्टी अकाउंट नेम, आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में पार्टी का नाम नहीं आ रहा है, खाली केस आ रहा है। तो क्या करें, पार्टी हमारा सप्लायर होगा तो सप्लायर का लेजर यहाँ पर नहीं दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट और सी करेंगे। अल्ट सी से आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, सप्लायर का लेजर मुकेश सप्लायर, फिर अंडर में रखना है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर एंड एक्सेप्ट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर परचेस लेजर पर करेंगे, अल्ट सी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे। परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे और अंडर में हमें रखना है यहाँ पर परचेस अकाउंट, एंटर करना है और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर नेम ऑफ आइटम कि कौन सा आइटम हमें परचेस करना है, स्पेस करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट बता रहा है, मतलब कुछ आइटम बना ही नहीं है पहले से। क्या करेंगे, यहाँ पर रनिंग मोड में काम कर रहे हैं तो अल्ट सी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आइटम का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमें मोनिटर परचेस करना है, मोनिटर एंटर करेंगे और उसके बाद प्राइमरी रखेंगे अंडर में यूनिट में PCS, समझे, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पर सिंबल में PCS लिखना है, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसको एंटर एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पर आइटम बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आइटम बन गया, एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल रखना है, गोडाउन मेन लोकेशन, ठीक है। क्वांटिटी, अब कितना परचेस करोगे, तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर क्वांटिटी लिखोगे, तो हमें परचेस करना है 100 लिखेंगे। रेट, मॉनिटर का रेट कितना है, 5000 लिख देते हैं, एंटर एंटर करके इसका टोटल अमाउंट आ गया, एंटर एंटर करके इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। तो आपका रनिंग मोड में सारा काम हुआ परचेस का। परचेस करने के लिए आपको पार्टी बनाना है, बना लिए हैं, परचेस करना था, परचेस का भी लेजर बना है, आइटम का भी लेजर बना चुके हैं, तो ये रनिंग मोड है परचेस किए। अब सेल करने के लिए भी सेम, सबसे पहले F8 करना है, रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर हमें सेल करना है कस्टमर को, पार्टी हमारा कस्टमर हो जाता है, तो क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पर राजेश कस्टमर बनाते हैं, राजेश कस्टमर, राजेश कस्टमर। उसके बाद यहाँ पर अंडर में क्या रखना है, हमारा जो कस्टमर है ये सन्ड्री डेबिटर्स होता है, तो यहाँ से सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे कंट्रोल एस एक्सेप्ट, फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट होना चाहिए, जो कि नहीं बना हुआ है, आप स्पेस की करेंगे तो दिखेगा अगर बना है तो। अब अल्ट सी और उसके बाद
सेल्स अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट और अंडर में सेल्स अकाउंट रखना है, सेल्स अकाउंट और एक्सेप्ट करना है आइटम। अब आइटम हमारे पास है मोनिटर 100 PCS, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ से कितना हमको सेल करना है, मेन लोकेशन से सेल करना है 50 PCS, और रेट होना चाहिए यहाँ पर 6000, क्योंकि हम परचेस किए थे 5000 करके, इसको सेल करते हैं 6000 में, और इसको इंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप इस टाइप से रनिंग मोड में सेल कर सकते हैं और परचेस भी रनिंग मोड में कर सकते हैं।